अब गौ माता की सेवा नहीं होती, उसका कत्ल होता है। 1,00,000 से ज्यादा गोवंश हर साल कत्ल किया जाता है। हर रोज 30,000 गौ माताओं की हत्या की, उनका खून बहाया जाता, उनकी चित्कार होती है और उससे ब्रह्मांड में सारा दुख बढ़ता है। कितने जीव, और खाली गौ माता की नहीं, भैंस और दूसरे पशुधन को मारा जाता है। ये गड़बड़ हो रही है। तो मैं कह रहा था गोमूत्र का पान करो, गाय की सेवा करो। हम तो ये गोमूत्र, ये जो पहाड़ की गाय है ना, उससे ये इकट्ठा करवाते गोमूत्र। ऐसे सैकड़ों गांव में हमारा प्रयोग शुरू हो चुका है। और जिन घरों में कभी रात को लोगों के पास में दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता था, जिनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, दवाई के लिए पैसे नहीं होते थे, 1-2 हजार रुपए से लेकर के 5-5 हजार रुपए बिना दूध देने वाली गाय से लोगों को मिलने लग गया, खाली गोमूत्र बेच करके, गोमूत्र से दवाई बनती है, पेस्टिसाइड्स बनते हैं। मैं तो कहता हूं गोबर और गोमूत्र, इसका जो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड मेडिसिन, तीन रूपों में प्रयोग करना शुरू कर दो, हिंदुस्तान में एक तो सुख बढ़ेगा, एक स्वास्थ्य मिलेगा। सुख स्वास्थ्य और समृद्धि का यदि कोई मूल आधार है तो वो गोधन है, वो पशुधन है। ये बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। ये गोमूत्र का अर्क बहुत 100% प्योर होता है। और पहाड़ की गायों का, गायों का जो खाती हैं उसका भी असर उनके मूत्र पर आता है। गोमूत्र ये बहुत बड़ी औषधि है। मेरे से बोले बाबा स्वमूत्र के बारे में आप कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा कोका कोला पेप्सी बर्गर पिज्जा खा के मूत्र है, इनका मूत्र में क्यों मिलेगा? तो स्वमूत्र कैसे बताऊं? कोका कोला पेप्सी पीते, बर्गर पिज्जा खाते हैं, मिर्च मसाले गोलगप्पे खाते हैं, फिर वो खाएंगे, वही तो मूतेंगे। तो वो इसलिए जो है वो आदमी, अब वो दारू खा रहा है, दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है, अब वो बर्गर पिज्जा खा रहा है, पेप्सी ये सब पी रहा, तो उस वो आदमी अपने मूत्र से चिकित्सा कैसे करेगा? इसलिए जो गाय जड़ी बूटियां खाती है वो मूत्र करेगी, तो जड़ी बूटियों का उसने सार निचोड़ बना करके मूत्र के रूप में दे दिया, गोबर के रूप में खाद दे दिया, सारी धरती को पोषण मिलेगा। तो ये तो खैर एक गोमूत्र चिकित्सा के बारे में मैंने थोड़ा सा आपसे कहा। अब दूसरी बीमारियों के बारे में थोड़ा सा आसनों के बारे में और बताते हैं। अब कब्ज है तो क्या करें? कब्ज है तो एक तो ये कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, एसिडिटी, हाइटस हर्निया, नॉर्मल हर्निया, फिर पाइल्स फिसर फिस्टुला, यूट्रस के फाइब्रोस, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, ओवम का कम होना, स्पर्म का कम होना, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, धातु रोग, धातु की बीमारी, कमजोरी, स्वप्न दोष, माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम, शीशम के पत्ते और पी लेना उसमें थोड़ा, वो बहुत ताकतवर होता है, शतावर खा लेना और कपाल भाती करना, सफेद पानी की प्रॉब्लम, व्हाइट डिस्चार्ज, पुरुषों को भी मूत्र के साथ में धातु गिरने की समस्या, ये कपाल भाती से ठीक हो जाती इतनी चीजें, बताओ। एक कपाल भाती दुनिया की सब समस्याओं का समाधान।